वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी का गढ़ जहां इन्होंने 20 से 22 साल मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा दी, जी हां दोस्तों गुजरात की बात कर रहे हैं हम। वहां बारिश के बाद ये हालात देखकर मोदी जी की जमकर तारीफ हो रही है कि क्या यही मोदी मॉडल है। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से भारतीय जनता पार्टी के नेता केजरीवाल मॉडल की तारीफ कर रहे थे, तरह तरह के मीम बनाकर शेयर किए जा रहे थे, और अब यही हालात गुजरात में भी है। वीडियो में गौर करें तो पानी का बहाव इतना तेज है कि गैस एजेंसी से सिलेंडर बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेत्री प्रियंका कक्कर ने कहा कि गुजरात के लोग मुसीबत के टाइम अपने मुख्यमंत्री को खोज रहे हैं। गुजरात में बाढ़ के वीडियो को शेयर करते हुए देवेंद्र यादव नाम के यूजर ने कहा कि घर घर पानी घर घर सिलेंडर, गुजरात में घर घर सिलेंडर बांट रहे हैं मोदी जी, मगर निकम्मा गोदी मीडिया और भाजपा आईटी सेल मोदी जी की इस योजना का प्रचार नहीं कर रहा है। गुजर ने कहा कि अब अहमदाबाद स्मार्ट सिटी में सारे यात्री पहले तैरेंगे फिर उड़ान भरेंगे। प्रियंका कक्कर नाम की यूजर लिखती हैं कि गुजरात में भाजपा सरकार ने घर घर फ्री सिलेंडर पहुंचाया है। गुजर ने कहा कि बीजेपी यही मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहती है। 9 साल पहले जिस इंसान के पास देश की हर समस्या का समाधान था, वही इंसान देश की सबसे बड़ी समस्या बनकर बैठा है। बीजेपी को वोट भी राम के नाम पर लेना है और काम भी राम भरोसे ही करना है। गुजर ने कहा कि अब विदित हुआ है कि हमारे बुजुर्गों ने 60 साल इन लोगों को सत्ता से बेदखल क्यों रखा था। गुजर ने कहा कि ये बात सर्वविदित है और जग जाहिर है कि वो झूठ बोलने में उस्ताद है और माहिर है। मोदी जी गुजरात के 22 साल मुख्यमंत्री रहे, तब गुजरात मॉडल पानी पानी हो गया और विकास गया मोदी जी के साथ। गुजर ने कहा कि कहां मर गए पापा की जलपरियां और मगरमच्छ, अब चुल्लू भर पानी में डूबकर रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। आप दो सिलेंडरों को आपस में जोड़कर नाव बनाकर आप पानी में डूबने से बच सकते हैं। सही में मोदी जी की सोच विश्वगुरु वाली है। गुजर ने कहा कि भक्तों के हालात बकरी की पूंछ जैसी हो गई है, ना इज्जत ढक पाती है न मक्खियां उड़ पाती हैं। गुजर ने कहा कि भक्त और गोदी मीडिया के लिए दिल्ली बाढ़ का पानी जहर था और गुजरात बाढ़ का पानी अमृत है। एक गुजर ने कहा कि गुजरात में जब गाड़ियां सब बह गई तो पानी के रास्ते घर घर सिलेंडर पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को देखकर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट करके हमें बताएं, और ज़्यादा लेटेस्ट जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।